दोस्तों हाल ही में भी एक ऐसी न्यूज आई थी जिसकी वजह से मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे बात करना, बस यूं कहो कि सही वक्त नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शक्तिमान की आने वाली मूवी की, जो कि आने वाली है, जिसके लिए सिर्फ शक्तिमान के फैंस ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जिसका अनाउंसमेंट 2 साल पहले 10 फरवरी को सोनी पिक्चर्स इंडिया के थ्रू मुकेश खन्ना ने ऑफिशियली कर दिया था। और हम सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनका काफी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो हर कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। तब से यही कयास लग रहे थे कि कौन बनेगा शक्तिमान, और शायद मुकेश खन्ना इस बार नहीं चाह रहे थे कि वो अब शक्तिमान का कैरेक्टर खुद प्ले करे, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एज, जिसकी वजह से अब वो कैरेक्टर उन पर उतना अच्छा ना लगे। तो फाइनली रणवीर सिंह का नाम एज शक्तिमान के तौर पर सामने आ चुका है, पर अब ये पता नहीं कि मेकर्स का डिसीजन सही है या गलत, क्योंकि रणवीर सिंह के नाम पर काफी शक्तिमान फैंस ऐसे भी हैं जो कि खुश नहीं है। उनके हिसाब से रणवीर सिंह वो एक्टर नहीं जिनको हम शक्तिमान के रूप में देखना चाहते थे। गौरतलब है कि इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे बासिल जोसेफ, जो शक्तिमान के फैंस के लिए एक राहत की खबर है। जो बासिल जोसेफ के बारे में नहीं जानते तो वो लोग प्लीज नेटफ्लिक्स पे जाकर मृणाल मुरली मूवी को जरूर देखिएगा। एंड गाइस बिलीव मी, बहुत ही अच्छी मूवी है ये। कम बजट में डिसेंट वीएफएक्स के साथ एक अच्छा डायरेक्शन आपको इस फिल्म में देखने को जरूर मिलेगा। तो डायरेक्टर बासिल जोसेफ से ये उम्मीद है हमें कि वो शक्तिमान के इस किरदार को अपने डायरेक्शन से एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। एंड प्रोडक्शन हाउस सोनी पिक्चर्स का है तो अच्छे वीएफएक्स की टेंशन तो नहीं है, पर टेंशन इस बात की है कि रणवीर सिंह गंगाधर के किरदार को कितनी शिद्दत से निभा पाएंगे, क्योंकि शक्तिमान सीरियल बच्चों में लोकप्रिय सिर्फ शक्तिमान की वजह से नहीं बल्कि गंगाधर के किरदार से भी हुआ था। अब देखना यह है कि 90s में जो शक्तिमान का जादू सिर्फ बच्चों के जहन में नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों के जहन में भी उतना ही हुआ था, तो क्या ठीक वैसा ही जादू रणवीर सिंह भी क्या एक बार फिर से क्रिएट कर पाएंगे? चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें अब शक्तिमान के फैंस को ही नहीं बल्कि मुकेश खन्ना को खुद है, जिसको पूरा करने का सपना न जाने वो कब से देख रहे हैं। ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। फिलहाल इसकी शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी रणवीर सिंह बिजी हैं एक और आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के थर्ड पार्ट की तैयारी में, जिसका नाम है डॉन 3, जिसमें इस बार रणवीर सिंह हमको एज अ डॉन दिखने वाले हैं मगर शाहरुख खान नहीं दिखने वाले। चलिए फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते हैं, इस वीडियो में बात सिर्फ करेंगे शक्तिमान पर। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे सुपर हीरोज ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारे आसपास के काफी बच्चे और हम भी शायद कहीं ना कहीं इन सारे सुपर हीरोज से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। पर दोस्तों सच बताऊं तो शक्तिमान का किरदार इन सब से काफी ज्यादा अलग है, और उतना ही अलग है शक्तिमान का विलन तमराज केलविज भी, जिस किरदार को उस वक्त सुरेंद्र पाल ने अपने अभिनय से जीवंत कर दिया था और उनका वो डायलॉग अंधेरा कायम रहे उस वक्त बच्चे बच्चे की जुबान पर था। तो इस फिल्म में केलविज का किरदार कौन निभाएगा इसके नाम पर कोई आधिकारिक नाम सामने अभी तक नहीं आया है। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर अगर मैं पर्सनली अपनी राय बताऊं तो रणवीर सिंह एज अ शक्तिमान इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुकेश खन्ना शक्तिमान का किरदार उस एक्टर को निभाना चाहिए कि जब वो अपनी बात दुनिया के सामने रखे, चाहे वो टीवी स्क्रीन पे हो या फिर थिएटर की स्क्रीन पर, लोग और बच्चे दोनों उसकी बात को समझे, मतलब उस किरदार में एक ठहराव होना चाहिए। खैर दोस्तों आप अपनी राय बताओ कि आपकी क्या राय है आने वाली शक्तिमान की इस फिल्म के बारे में, और अगर आप शक्तिमान को अभी भी फॉलो करते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।